तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक बड़े साइज के राक्षस को उस छोटी लड़की सोफी की गंध आ जाती है जिस कारण ये सोफी को चारों और उस गुफा में ढूंढने लगता है उस राक्षस से बचने के लिए सोफी एक बड़े कद्दू में छुप जाती है लेकिन जब वो बड़ा राक्षस उस कद्दू को सूंघने लगता है तो उसे उस कद्दू के अंदर से किसी इंसान की गंध आने लगती है इसलिए वो बड़ा राक्षस उस कद्दू को खाने की सोचता है सोफी को बचाने के लिए वो फ्रेंडली राक्षस उस बड़े राक्षस को कहता है की तुम तो मांसाहारी हो तुम सब्जियाँ कब से खाने लगे ये सुनकर वो बड़ा राक्षस उस कद्दू को फेंक कर वहाँ से चला जाता है जिससे उस छोटी लड़की सोफी की जान बच जाती है कुछ समय के बाद वो फ्रेंडली राक्षस कहीं जा रहा होता है जिसे सोफी पूछती है की आप कहाँ जा रहे हो तो सोफी को बताता है की वो सपने यानी कि ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा है ये सुनकर सोफी भी उस फ्रेंडली राक्षस के साथ जाने की जिद करती है लेकिन वो फ्रेंडली राक्षस सोफी को साफ साफ मना कर देता है वो सोफी को कहता है की बाहर वो सभी मांसाहारी राक्षस हो रहे हैं और अगर उन्हें तुम्हारा पता लग गया तो वो तुम्हें खा जाएंगे लेकिन सोफी उसकी किसी भी बात को नहीं मानती जिस कारण वो फ्रेंडली राक्षस सोफी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है अब ये दोनों जैसे ही ड्रीम्स को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं तो वो सभी बड़े राक्षस उस फ्रेंडली राक्षस को पकड़ लेते हैं वो उसे उल्टा लटका के परेशान करने लगते हैं दोस्तों इस वीडियो का पहला पार्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा